दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेरठ की कांति धारा पर युवा ब्राह्मण परशुराम महासंघ के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण व त्यागी ब्राह्मणों को एक छत के नीचे लाकर भाजपा के MLC व शिक्षाविद धर्मेंद्र भारद्वाज ने आज समाज में अपनी पकड़ साबित कर दी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित ब्राह्मण त्यागी सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन को देखकर फूले नहीं समाए। खचाखच भरे हुए ऑडिटोरियम को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वह चाहेंगे कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे प्रदेश व देश का ब्राह्मण एकजुट हो जाए। इस मौके पर MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने भगवान परशुराम का फरसा भी उच्च शिक्षा मंत्री को भेंट करते हुए सम्मानित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला भी मौजूद रही। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के बीच बड़ी संख्या में त्यागी व ब्राह्मण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में पहुंचे थे। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने यह कहा। देखिए, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समागम हुआ आज, और ब्राह्मण वो स्वभाव है, एक ब्राह्मण बिरादरी नहीं, एक स्वभाव है जो राष्ट्र निर्माण करता है, और राष्ट्र निर्माण के लिए उसका अतीत और वर्तमान और भविष्य ये सब बताता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा आगे रहता है। इसलिए मेरी भी यही इनसे आशीर्वाद था कि जो मुझे जिम्मेदारी समाज ने दी है उसको मैं राष्ट्र हित में लगा सकूं, इसलिए सम्मेलन। नहीं देखिए, ये तो जहाँ के लोकल लोग करेंगे, बल्कि मैं तो इसको आगे कहूँगा कि एकता का अगर है तो राम परशुराम एक सेना बननी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।